नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक नई क्रॉप पढ़ने वाले हैं और वो किस बुक से पढ़ेंगे? इंस्टेंट हार्टिकल्चर से 41 यानी 41st वाला लेक्चर हम पढ़ेंगे। 41वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टेम्परेट क्रॉप है। कौन सा नाम है इसका? वॉलनट। वॉलनट नाम की एक क्रॉप है, इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अखरोट बोलते हैं। समझ गए? ये एक नट वाली क्रॉप होती है, ये सूखे मेवे वाली क्रॉप होती है, इसको हम बोलते हैं सूखा मेवा। जैसे काजू होता है, बादाम होता है, पिस्ता होता है, वैसे अखरोट भी होता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी पहले बता दिया कि ये टेम्परेट रीजन का है, तो ये एक चीज तो कन्फर्म हो गई कि इसका एक चिलिंग रिक्वायरमेंट होगी, ये डेसीडुअस नेचर का होगा और इसका एक कोई रूट स्टॉक होगा और फैमिली इसकी कुछ दूसरी है। रोजेसी फैमिली की जितनी क्रॉप थी हमने सब खत्म कर डाली, ठीक, रोजेसी फैमिली की सब खत्म हो गई। आज हम अलग दूसरा पढ़ेंगे, इसकी फैमिली दूसरी है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इसका बोटेनिकल नेम जान लेते हैं कि वॉलनट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है। लेकिन हम बोटेनिकल नेम जान लें उससे पहले हम देख लेते हैं कि वॉलनट देखने में होता कैसा। देखो, अखरोट देखने में ऐसा होता है, तो इस वाला जो नट वाला पोर्शन, ये तो सब आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये फ्रूट जो इसका ग्रीन ग्रीन कवर होता है, ये सबको नहीं देखा होगा लोगों ने ज्यादातर, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में उगाया जाता है। और जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं हमारे यूट्यूब चैनल वाले, वो कहाँ से हैं? वो मैदानी क्षेत्रों के हैं, यानी कि वहां के नहीं है, मतलब वहां जम्मू कश्मीर और उधर हिमाचल प्रदेश के नहीं है। इसी वजह से तो ये बता देते हैं कि ऐसे देखने में लगता है ये वॉलनट। अब स्टार्ट करते हैं, इसका बोटेनिकल नेम जान लेते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या है? जगलेंस रेजिया। बोटेनिकल नेम ऑफ द वॉलनट इज जगलेंस रेजिया। फैमिली जगलेंस रेजिया से नाम चल रहा है, जगलेंडियेसी। क्या फैमिली है इसकी? इसकी फैमिली है जगलेंडियेसी। ओरिजिन इसका क्या है? इंडो चाइना। इंडिया और चाइना का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि माउंटेनियस रीजन है, वहीं पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। फिर अगले बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। नट आर हार्वेस्टेड एज पीटीवी स्टेज व्हेन पैकिंग टिश्यू टर्न ब्राउन। पैकिंग टिश्यू जब टर्न ब्राउन हो जाता है, मतलब समझ रहे हो? अरे यार, पैकिंग टिश्यू मतलब जिस टिश्यू से वो पैक हो रहा है अखरोट, ये देखो इसी टिश्यू से तो पैक हो रहा है, इसके अंदर ही तो अखरोट है। तो जब ये वाला जो पैकिंग टिश्यूज है, ये ब्राउन ब्राउन कलर का होगा। देखो, जब ये ब्राउन कलर का हो गया, यानी कि अब इसको हार्वेस्टिंग हमें कर लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग स्टेज की हमने फोटो लगाई है, समझ गए? तो इस नट को कब हार्वेस्ट करना चाहिए? पीटीबी स्टेज। जिस ये कब आता है? जब इसका जो पैकिंग टिश्यू है ये ब्राउन कलर में टर्न होने लगता है, ब्राउन ब्राउन कलर का जब होने लगता है, यानी कि ऐसा समझो जब यार सूख जाता है, जब उसका जो नट होता है वो फट जाता है, फिर हम इसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसका जो रूट स्टॉक है, इसका रूट स्टॉक पैराडॉक्स होता है, ठीक। इसका क्या रूट स्टॉक होता है? पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स का एक इंग्लिश में मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत, पैराडॉक्स। जैसे कुत्ते बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन जैसे होते हैं, ठीक, जैसे दिन रात, इसे को बोलते हैं पैराडॉक्स। तो लेकिन वो पैराडॉक्स ये वाला नहीं है, ये रूट स्टॉक है पैराडॉक्स, समझ गए? बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रीज जान लेते हैं। इसका जो ट्री होता है डेसीडुअस होता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया जितनी टेम्परेट क्रॉप होती है वो मेनली टेम्परेट क्रॉप जितनी होती हैं उसमें से लगभग सभी की क्या होती हैं? डेसीडुअस नेचर की होती है, यानी पतझड़ी होते हैं ये। ठंडी के समय में, दिसंबर और नवंबर के समय में, ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियां पूरी गिरा देते हैं, इनके इनमें एक भी पत्ती नहीं रहती, तो ये डेसीडुअस नेचर के होते हैं। ये इनका जो लंबाई होती है वॉलनट वाली ट्री की, ये होती है 10 से 40 मीटर तक लंबाई। ये किस तरीके से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस टाइप का फ्रूट है, यानी कि ये इसकी वेरायटी कौन सी है, ड्वार्फ है, सेमी ड्वार्फ है या विगोरस टाइप की वैरायटी है, उस पर डिपेंड करता है कि प्लांट की हाइट कितनी हो। वैसे मेनली अगर देखा जाए तो ये 10 मीटर to 40 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है प्लांट की। टेम्परेचर फॉर 29 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड नियर हार्वेस्टिंग रिजल्ट इन वेल फिलिंग कर्नल। अगर हार्वेस्टिंग के समय पे, यानी कि हार्वेस्टिंग से थोड़े दिन पहले, मतलब 10-15-20-25 दिन पहले, अगर 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो कर्नल की फिलिंग में बहुत अच्छा होगा। मतलब इसका जो अखरोट होता है, इसके अंदर जो अखरोट बनेगा वो कायदे से भरा रहेगा, कसा कसा रहेगा, नहीं तो इसके अंदर क्या होगा? अखरोट ही नहीं रहेगा वो बाहर बाहर। तो ये हार्ड पैन जैसे तोड़ोगे, जिसके इसकी कवरिंग तोड़ोगे तो अंदर देखोगे अखरोट जो पड़ा रहेगा वो बहुत सुस्का सुस्का रहेगा, या तो फिर रहेगा ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा हो जाए, जैसे मूंगफली होती है, मूंगफली चीरो तो देखो मूंगफली के अंदर मूंगफली नहीं होती, समझिए वैसे इसमें भी हो जाता है। तो इसी वजह से इसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए? इसको टेम्परेचर चाहिए
29 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले, ठीक, जिससे प्रॉपर फिलिंग हो सके कर्नल्स की। फिर अगला देखो, हॉट समर विथ लो ह्यूमिडिटी। अगर समर यानी कि गर्मी हो और वो सूखी सूखी गर्मी हो और ह्यूमिडिटी बहुत क्या हो, बहुत लो ह्यूमिडिटी हो, मतलब ऐसा समय जब ओंठ ओंठ सब फट रहे हो, ओंठ फट रही हो, एड़ियां फट रहे हो, मतलब हालत खराब हो रही हो, इतनी ज्यादा गर्मी हो, चिलचिलाती धूप हो और बहुत सूखी सूखी हवाएं चल रही हो, उस समय क्या होगा कि ब्लैंक नट प्रोड्यूस हो जाता है। ब्लैंक नट क्यों होगा, अरे यार खुखलू नट होगा, मतलब जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर नट ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत छोटा सा मिलेगा। ऐसा जानते हो क्यों होता है, बताते हैं। देखो क्या होता है कि जब तक वाटर मिलेगा नहीं, जब तक सही से वाटर मिलेगा नहीं, तब तक न्यूट्रिएंट पहुंचेगा नहीं, तब तक कोई भी जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा सही से। तो पानी जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सूख जाएगा। जैसे अभी हमको पानी ना पिलाओ या अपने आप खुद ही ना पानी पियो 4-5 दिन तक, तब देखो अभी ऐसे सूख जाओगे, सूख के छुहारा हो जाओगे, वही हाल इसका है। तो इसीलिए ये सूख जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, और इसी वजह से ब्लैंक नट बन जाता है, मतलब अंदर जो इसके अखरोट पाया जाएगा या तो छोटा सा होगा खूब, और या तो फिर होगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है जैसे मूंगफली में देखो नहीं पाया जाता, कभी कभी फोड़ेंगे उसको तो मिलेगा ही नहीं कुछ। अगला पॉइंट देखो, सेंसिटिव लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव, बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो गया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे मैं प्लम में बताया था कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उसको, उस तरीके से इसको नहीं है, मतलब टेम्परेचर कम तो चाहिए, टेम्परेट रीजन की तो है, लेकिन इतनी इतना कम टेम्परेचर नहीं चाहिए कि इसकी हालत खराब हो जाए। अगर ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है। ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर इन समर, और हाई टेम्परेचर समर में नहीं चाहिए, मतलब समझ रहे हो। अरे यार गर्मी में अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ठंडी में अगर बहुत ठंडा टेम्परेचर हो गया, उसकी हालत खराब हो जाएगी। यानी कि ठंडी में ज्यादा ठंडी ना हो, गर्मी में ज्यादा गर्मी ना हो, तभी यह सही से प्रोड्यूस हो सकता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी होती है जो 200 से 800 घंटे की होती है, मतलब साल भर में अगर 200 से 800 घंटे इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट, चिलिंग टेम्परेचर मिल रहा है तो उतना इनफ है, इतने में भरभरा के फर जाएगा, खूब अच्छे से प्रोडक्शन अपना देगा। मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम, ज्यादातर क्रॉप में यही यूज होता है, अभी तक जितना मैं पढ़ा रहा था, अभी एक भी क्रॉप में 41st आ गया, 41 लेक्चर में पढ़ा चुका, जितने भी लेक्चर में मैंने अभी क्रॉप पढ़ाई है सब में सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ही यूज किया जाता है, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा फेमस है, इससे ये ज्यादा अच्छा होता है, इससे प्लांट की हाइट बहुत बढ़ती नहीं है, ब्रांच भी अच्छी रहती है, प्रॉपर एरेशन भी होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सनलाइट पौधों को मिलती रहती है, इसीलिए मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम का के द्वारा ही पौधों को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ये सबसे अच्छा आइडियल होता है प्लांट के लिए। वॉलनट हैविंग हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट विटामिन ए एंड फाइबर्स। वॉलनट जो होता है इसमें विटामिन ई और फाइबर पाया जाता है, आपके बाल अगर झड़ रहे हो, बाल पक रहे हो, आप टकले होते जा रहे हो, तो आप वॉलनट खाइए, ठीक, इसमें फाइबर भी मिलेगा, फाइबर से आपका पेट सही रहेगा, विटामिन ए मिलेगा, बाल काले रहेंगे, और इसके साथ इसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो आप थोड़े मोटे ताजे हो जाएंगे, अगर छुहारा जैसे हैं आप तो बाद में फिर आम जैसे हो सकते हैं या अंगूर जैसे आप कह सकते हैं, ऐसे हो जाएंगे। अब देखो, वॉलनट कंटेंट ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जिसको हम गुड फैटी एसिड बोलते हैं। ये फैट जो होता है, देखो फैट में एक प्रॉब्लम होती है, जो हमको सस्ते वाले फैट मिलते हैं, सस्ते वाले फैट मतलब समझ रहे हो, अरे यार रिफाइंड वाला ऑयल, डालडा वाला ऑयल, ये वाला जो क्या होता है, इसमें फैट जो ठंडी के समय में बिल्कुल घी जैसा जम जाते हैं, इनमें फैट तो होता है लेकिन ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते, बहुत बवाल टाइप के होते हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने ज्यादा सेवन कर लिया तो आप मोटे तो हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे, और कभी कभी वही फैट फिर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, बीपी बढ़ेगा, और अंत में आर्टरीज ब्लॉक करेंगी, और अंत में आपको मृत्यु के पास पहुंचा देंगी। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है, इसी वजह से जो हमको फैटी एसिड चाहिए, जो फैट चाहिए, वो गुड फैट होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल वाला फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 55 के ऊपर जब एज हो जाती है ह्यूमन बीइंग की तो क्या होता है, उस समय बीपी की प्रॉब्लम और मधुमेह की प्रॉब्लम, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, ये दो चीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमने खूब अच्छे से कार्बोहाइड्रेट जवानी में खाया है और फैट भी खूब अच्छे से खाया है, इसी वजह से बुढ़ापे में ऐसा बीत रहा है। इसी वजह से कहते हैं कि वॉलनट का अगर फैट लेना है तो वॉलनट का फैट लो, या गरीबों का मेवा कहा जाता है मूंगफली का फैट लो, समझ गए, सोयाबीन का फैट लो, सोयाबीन का फैट मतलब यार तेल लोगे तो उसमें मिल जाएगा, समझ गए, गाय का दूध का, गाय का घी, भैंस का घी, ये सब खाओ, समझ गए, डालडे वाले घी से थोड़ा परहेज करो, समोसा वमोसा कम खाओ, क्योंकि उसमें वही मिलाए रहते हैं, बहुत सस्ता वाला ऑयल रहता है। द नट कंटेंट 14 to 20% प्रोटीन, जो जो अखरोट का नट होता है जिसको हम खाते हैं, उसमें 14 से 20% प्रोटीन होता है,
और 60-70% फैट होता है। सोच लो कितना न्यूट्रिटिव होता है, 70% फैट है और 20% प्रोटीन है, मतलब 70 और 20 90, नियर अबाउट 90% तो आप उसमें से यूज करने वाली चीजें ले रहे हैं। अब सोच लो केवल 10% बचा, उसमें कुछ मॉइस्चर होगा, कुछ और भी चीजें होंगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे यूज के लिए। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से यूज हो रहा है तो इसको खा के हम पूरा का पूरा पचा लेंगे, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, इमैच्योर फ्रूट आर रिच इन एस्कर्बिक एसिड। बात ऐसे समझो यार, अगर कच्चा फल तोड़ के लाओगे वो उसको खाओगे तो खट्टा लगेगा। कच्चा फल तोड़ लिया, उसको सुखवा लिया, वो सूख गया, अखरोट तोड़ा, अखरोट निकाल के अगर खाओगे वो तो खट्टा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एस्कर्बिक एसिड पाया जा रहा है। अब ऐसा पाया क्यों जा रहा है? क्योंकि वो इसको इमैच्योरिटी के समय पे ही तोड़ लिया। अरे यार, अगर जैसे आम है, कच्चा आम तोड़ लोगे, उसको सुखवा लोगे, खटाई बना लोगे तो खट्टा तो रहेगा कि मीठा हो जाएगा, वैसे ऐसे ही इसमें भी है। इसमें एस्कर्बिक एसिड ज्यादा पाया जाएगा, अगर कच्चे तोड़ोगे तो खट्टा लगेगा, समझ गए। ऐसे कभी कभी होता है, अगर आप अखरोट लेने जाएंगे तो थोड़ा एक आध अखरोट ऐसे मिल जाते हैं हल्का हल्का खट्टा लगता है, समझ गए। क्यों लगता है? वो एस्कर्बिक एसिड की वजह से होता है। अब जान लेते हैं इसकी कुछ वेराइटीज, ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटीज है नहीं, लेकिन कुछ है तो उसको जान लिया जाए। पहला है लेक इंग्लिश, उसके बाद गोविंद, ये एक अच्छी वेराइटी है, इसको नोट डाउन कर लेना, गोविंद वेराइटी। उसके बाद है यूरेका, उसके बाद है प्लेसेंटिया, प्लेसेंटिया भी एक अच्छी सी वैरायटी है, इसको भी लर्न कर लेना। उसके बाद है विल्सन, ये भी ठीक ठाक वैरायटी है। उसके बाद है चक्रता, क्या है? चक्रता। उसके बाद है फ्रान क्यूटी, ये भी वैरायटी है। रूपा एक अच्छी सी वैरायटी है, इसको लर्न कर लेना। और उसके बाद करण, ये भी ठीक ठाक वैरायटी है। तो वॉलनट की जो इतनी पूरी क्रॉप थी भरा भर खत्म हो गई जल्दी से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और इसकी रीच ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, मेरा मुझे मोटिवेट करें जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।